जय हिंद साथियों, VKS स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आप थंबनेल पर इतना तो देख ही लिए होंगे कि यहाँ से वर्तनी से यहाँ से 10 क्वेश्चन जो कि पेपर में फंसेंगे। दोस्त, हम यहाँ पे लगभग आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। तो अगर आप 50 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तो कोई भी एग्जाम दें, इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन अगर यहाँ से आप देख लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा। तो दोस्त, आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो पूरी देखना। अगर आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और दोस्त, आपसे निवेदन है कि आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये वर्तनी है, ये कहीं भी मात्रा की गलती हो, देखो वर्तनी में इसमें केवल मात्रा की गलती होती है, शब्दों का हेर फेर हो जाता है तो हमारा गलत हो जाता है। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें जो भी क्वेश्चन मिले वर्तनी से कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आओ दोस्त, हम अपने इम्पोर्टेंट वर्तनी हम देखते हैं फिर से इसके आगे क्या होता है। दोस्त, इसमें क्या और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्तनी और दिया गया है, जैसे उज्ज्वल दिया गया है, लेकिन हमारा सही क्या होता है, उज्ज्वल, आधा जा फिर आधा जा। इसे विशेष तरीके से आप ध्यान रखेंगे, दो बार आधा जा आता है इसमें, कितने बार, दो बार आधा जा आता है इसमें, तब जाके ये हमारा सही वर्तनी होता है। यहाँ पे जैसे एक बार पूरा जा, एक बार आधा जा दे देंगे, फिर एक बार पूरा जा भी दे देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, केवल यहाँ उ आधा जा, आधा जा व ल, मतलब ये आपको देखना है कि डबल जा यहाँ पे लगा रहेगा। तो दोस्त, ये इसके बाद हम चलते हैं उरिड 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 रा पे छोटी मात्रा रा, तो अगर इसे हमें शुद्ध क्रम में लिखना है तो उरिड, रा से ऋषि वाला री लगेगा यहाँ पे, इसे ध्यान देना, ऋषि वाला री लगेगा यहाँ पे। और कवयित्री, सबसे महत्वपूर्ण ये जो कि बार बार पूछा जाता है, कवयित्री, कवित्री दिया गया है, क्या दिया गया है, कवित्री दिया गया है। अगर हम इस कवित्री को सही क्रम में लिखते हैं तो कवित्री लिखा, देखो बोलो इसे क्या बोलोगे, कवित्री, कवित्री, इसे क्या बोलोगे, कवित्री, इसको क्या बोलोगे, कवित्री, इसे क्या बोलोगे आप, कवित्री। इसीलिए कहते हैं कि बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। और कृतक कृतक कृत कृत, यहाँ पे क्या दिया गया, कृत कृत, अब यहाँ पे क्या है, कृत कृत मतलब एक बार पूरा था, यहाँ पे या लगा है तो इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे कृत 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 कृत, ऐसे इसे विशेष ध्यान देना, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ये है तो मतलब UPSC लेवल का, लेकिन आप इसे याद रखना जरूर, ध्यान देना। जैसे गरुड़, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर गरुड़ का अशुद्ध वर्तनी में ऐसे क्वेश्चन दे देगा, गरुड़ दे देगा, और आपको गरुड़ लिखना होगा, क्या लिखना होगा दोस्त, गरुड़ लिखना होगा, इसे क्या कहते हैं, गरुड़ कहते हैं। ज्योत्सना, ज्योत्सना यहाँ लिखा है, ज्योत्सना, आप पढ़ोगे तो तभी समझ पाओगे, आपको कह रहे हैं ना, आप अगर पढ़ोगे तो तुरंत समझ जाओगे कि इसमें दिया क्या, तो इसका क्या दिया है, ज्योत्सना, तो हमें क्या लिखना है सही में, ज्योत्सना, आधाता आधा सा, आधाता आधा सा, इसे पे विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे आधा ता लगेगा और आधा सा लगेगा। अब इसी क्रम में हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, द्वारिका, क्या लिखा है दोस्त, द्वारिका, ये हमारा क्या है, अशुद्ध है, अगर इसे हम सही पढ़ेंगे तो द्वारका कहेंगे, द्वारका, द्वारिका नहीं, द्वारका, द्वारका हमारा सही शब्द है। अब देखो छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे, हम पढ़ने में द्वारिका पढ़ देते हैं, हमें लगता है सही, सब सही है, ये गलत कैसे हो गया हमारा, तो यही गलत होता है दोस्त। अगर हम उच्चारण को सही ढंग से अगर निकालते हैं तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे द्वारिका दिया है, अगर आपको सही क्रम में पढ़ना है तो पढ़ के ही आप समझ सकते हो क्या कहते हैं इसको सही क्रम में, द्वारका कहते हैं, द्वारकाधीश, ना कि द्वारिकाधीश। इसी तरह आगे चलते हैं निरीह, क्या दिया है ये, निरीह, इसे अगर हमें सही क्रम में लिखना होगा निरीह करेंगे। और फिर देखते हैं अगला पृथक, यहाँ पे क्या दिया है, पृथक 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 पूरा दिया गया है, अब यहाँ पे हलंत लग जाएगा दोस्त, यहाँ पे हलंत लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पृथक, मतलब जल्दी का पे खत्म कर दोगे, पृथक,
समझ में आया दोस्त। फिर चलते हैं पिचास। पिचास को कैसे लिखते हैं? यहाँ पे पिचास लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? पिचास लिखा है। पिचास सही है? नहीं। पिचास को अगर हम सही में लिखते हैं तो पिचास हमारा ऐसे लिखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं पिशाच। पिचास को कहते हैं पिशाच, कहते हैं वो सही वर्ड। देखो आप, इसीलिए हम बार बार इस पे आपको फोकस कर रहे हैं कि आप बोलने में सही बोल जाइएगा। बस अगर आप सही बोल लेते हैं उसे तो आपका तुरंत वर्तन ही सही हो जाएगा। तो दोस्त अगर आपका पिचास यहाँ दिया है, पिचास आप ध्यान ही नहीं दोगे, पिचास कर दोगे, अब ऑप्शन ढूंढने लगोगे, यार पिचास तो हमारा सही है, फिर हम इसमें कौन सा ऑप्शन लगाएं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग नहीं काम करेगा। तो इसीलिए दोस्त इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको वर्डों को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और धीरे से मन में पढ़ोगे तो और ही नहीं समझ में आएगा, सब सही लगेगा, पूरा ऑप्शन जैसे लगेगा कि सब सही है, ये को गलत नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान विशेष तरीके से ध्यान देना होगा कि इसमें क्या कहना पड़ेगा आपको, पिचास पिशाच, पिशाच आप सही, पिशाच आपका सही है। तो दोस्त अगर हम बात करते हैं ब्रजभाषा, ब्रजभाषा यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्त? ब्रजभाषा, जबकि हमारा सही क्या होता है? ब्रजभाषा होता है। तो दोस्त ये ऐसे ही आप देखो बहुत सारा बुक से आप कर लेना, बुक उठाना, कॉपी उठाना, कुछ भी उठाना, बहुत सारा वहां से रिवाइज कर लेना, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना, मतलब तेज तेज से बोल बोल के। और हम कहते हैं आपको इसका बेसिक ट्रिक यही है कि अगर आप तेज तेज से बोलेंगे उसे, वर्ड को तेज तेज बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा वर्तनी में गलतियां कहाँ हैं। तो दोस्त आपसे निवेदन करते हैं कि आपका सबसे अच्छा ट्रिक अगर यह माना जाता है तो उसे बोल के तेज से उच्चारण करके, ऑप्शन में जो दिया रहे उसे उच्चारण कर लो, जो क्वेश्चन में दिया रहे उसे एक बार उच्चारण कर लो, तो आपको तुरंत आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्त इस पर विचार करके आप अपने आंसर को तभी लगाना जब क्वेश्चन को तेज से एक बार पढ़ लेना और आंसर को भी एक बार तेज से पढ़ लेना, दोनों का मिलाव आपका तुरंत आपका दिमाग बताएगा कि हाँ ये सही है। तो दोस्त आप बुक से बहुत सारा दिया है, बुक से भी निकाल के पढ़ सकते हो, हम आपको समझाने के लिए। और कुछ इम्पोर्टेंट अधिकार होगा, क्या होगा दोस्त? अंधकार होगा दोस्त। इसी क्रम में अंधकार पहला तो समझ में आएगा, अंधकार इसे कहेंगे, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर हम दूसरा देखते हैं अभ्यस्त, यहाँ क्या लिखा है? अभ्यस्त लिखा है। तो अगर इसे हम सही करेंगे तो ये वर्ड हमारा गलत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभ्यस्त, अभ्यस्त, यहाँ पे ता था, अभ्यस्त, यहाँ पे क्या है? अभ्यस्त है, था था, तो यहाँ पे ता आना चाहिए। अगर हमें यहाँ पे अगर हमारा ता है, ऑप्शन में देख लेना ता लगा है तो सही कर देना, अगर ऐसा दिया है तो। अद्वितीय, अद्वितीय, यहाँ पे क्या लिखा है? अद्वितीय। अब यहाँ पे देखो कौन सी गलती है हमारी, अद्वितीय, अद्वितीय, द्वितीय, जल्दी बोल रहे हो ना, द्वितीय। तो दोस्त अद्वितीय होता है, यहाँ द्वितीयता पे बड़ी की मात्रा लगी होती है। तो दोस्त यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि छोटी सी मात्रा अगर इधर उधर हो जाती है तो हमारा वर्तनी शब्द गलत हो जाता है, तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना होगा। और हम अगला देखते हैं अंजलि, अगला देखते हैं अंजलि, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा अंजलि, अंजलि का शुद्ध वर्तनी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो नाम है, ये कहाँ गलत है, तो आपको भटका देगा इधर उधर करके। तो दोस्त आपको भटकना नहीं, अंजलि, अंजलि लापे छोटी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना दोस्त, अंजलि हो जाएगी, अंजलि, आप इसे विशेष ध्यान देना, अंजलि मतलब ये जो अजूरी होती है इसे ऐसे कहते हैं, ये होता है अंजलि, ऐसा ही कन्फर्म नहीं है लेकिन यही होता है। आश्रित, यहाँ क्या लिखा है? आश्रित, अगर आपको आश्रित लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये गलत है बिल्कुल, आपको दिख रहा होगा आश्रित लिखा है, आश्रित को अगर हम शुद्ध क्रम में लिखते हैं तो ये क्या होगा? आश्रित होगा, आश्रित, आश्रित और आश्रित में अंतर आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे आश्रित हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे बात करते हैं अक्षण लिखा है, अक्षण, अक्षण लिखा है, हमें क्या लिखना है? यहाँ पे या है, अक्षण है, या हो गया अक्षण, हमें क्या लिखना है? अक्षण लिखना, अक्षण रड़ा लिखना, रड़ा रड़ा। तो दोस्त ये भी हमारा पकड़ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम इसी क्रम में चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन पे,
अनुमत अनुग्रहित अनुग्रहित लिखा है, अनुग्रहित और अनुग्रहित में अंतर आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे ही आप समझ जाया करो। देखो मन में बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, अगर मन में बोल बोल के पढ़ोगे वर्तनी को तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वर्तनी को थोड़ा तेज बोल के देखो। अब देखो यहाँ पे अनुग्रहित, अनुग्रहित क्या है, अगर उसी को ऑप्शन में ढूंढने लगोगे तो अनुग्रहित मिल जाएगा, अनुग्रहित सही होता है। तो दोस्त अनुग्रहित हमारा सही होगा, समझ में आया दोस्त। तेज से बस बोलना, उसे तेज से रिलेट करके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, फिर उसके बाद ऑप्शन में जाना, उसको तेज तेज से पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सही है। उसके बाद थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान देना, जैसे अश्रृंखल, अश्रृंखल दिया है, इसका सही वर्तनी क्या होगा, अश्रृंखल होगा, अश्रृंखल 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 है। यहाँ पे अश्रृंखल च और छ, यहाँ पे जो सा है सा पे यरि की मात्रा लगी है, ये नहीं होगा सही दोस्त, अश्रृंखल होगा, अच 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 श्रृंखल अच खल, ऐसे बोल लेना, बोल के समझ जाओगे, इसे ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है, क्वेश्चन है। उपरोक्त, अगर हम बात करते हैं उपरोक्त, उपरोक्त क्या ये सही है, नहीं दोस्त ये सही नहीं, इसे क्या कैसे लिखते हैं, उपरयुक्त लिखते हैं, उपरयुक्त। उपरोक्त को अगर हम सही में लिखें तो उपरयुक्त को क्या लिखेंगे, अगर गलत में दिया रहेगा मतलब अशुद्ध वर्तनी में दिया गया, उपरोक्त दे के आपको ऑप्शन दे देगा, वहां पे आपको क्या ढूंढना रहेगा, उपरयुक्त उपयुक्त उपरयुक्त ढूंढना होगा। अब ऐसे बात कर लेते हैं उन्नति की, उन्नति यहाँ लिखा, उन्नति मतलब इसका मतलब विकास करना होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, उन्नति लिखा है, उन्नति अगर इसे हम सही शब्दों में लिखे तो उन्नति होता है, तब छोटी एक मात्रा लगी होती है। तो दोस्त यही सब देखना होता है हमें। अब हम चलते हैं गाने के लिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट आपके सामने रखे हैं। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और मेरा सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।